सलमकुम नमस्ते सतरीक एंड जय श्री राम कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज की वीडियो लेकर आई हूँ देट इज़ नेचर गौरव आर्या शोज मिररर टू पाकिस्तान एन अदर वीडियो सो देखते हैं कि वीडियो का टाइटल और थमनेल से तो आइडिया हो रहा है कि ये इमरान खान जी के ऊपर ही होने वाली है सो बिना तरीके जल्द इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं सो लेट स्टार्ट आपके रगों में जहर गोल रखा है आईएसपीआर ने पुराने जो आईएसपीआर के डीजी थे उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में सेटल्ड हैं और कुछ बच्चे उनके हैं लंदन में और खुद जनाब एक डिव कमांडर आप, आप बात बताइए मुझे छोटी सी बात उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है अजमल कसाब जो इंडिया में आया था इतना करी थी उसने मुंबई में वो तो गरीब घर गर का बेटा था अजमल यहां पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन ने अजमल को भेजा था उनके बेटे कहा उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं इंग्लैंड में बैठे हैं कैनेडा अमेरिका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वो मजे कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते दोस्तों बहुत एक सोचने वाली बात है आपके मोटरवे

मैं कॉम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें टू बिलियन डॉलर का लोन मिला है कर्ज मिलने पर कोई मुबारकबाद पेश करता है कहां जा रहे हैं आप लोग हाय तो मेरे गौरव है और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों मैं आपको सलाम पेश करता हूं और आज मैं आपसे मुखातिब हूं जैसा कि वादा करा था हफ्ता भर पहले कि मैं आपके सामने कुछ हकैक पेश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है आपके मुल्क को जितनी बुरी तरीके से पाकिस्तानियों खुद ने रगड़ा है जिस तरीके से पाकिस्तानी हुक्मरान जो आपके अशराफियां हैं उन लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों की बिल्कुल जिसको कहते हैं बेजती करी है कि कहीं पे आप शक्ल दिखाने के लायक नहीं रह गए ये हकैक मैं आपसे रूबरू कराऊंगा आज और आपको पता होना चाहिए कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। परवेज मुशर्रफ साहब आपके मिलिट्री डिक्टेटर भी थे आपके प्रेसिडेंट भी थे आपके आर्मी चीफ भी थे और कुछ दस एक साल के लिए खुदा भी थे तो वो उन्होंने जो कुछ करा नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त करा जो भी था लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करी उन्होंने तीन हजार से ज़्यादा मासूम पाकिस्तानियों को बेच दिया जी आपने सही सुना उन्होंने तीन हज़ार पाकिस्तानियों को अमेरिकनों को बेच दिया कोई कबाब वाला कोई कारपेट बेचने वाला कोई छोटा मोटा दुकानदार कोई रेडी चला रहा है कोई रिक्शा वाला इन सब के माथे पर लगाया स्टैंप एक ठप्पा लगा दिया माथे पर टैटू कर दिया अलकायदा का है और अलकायदा का बता के उसको बेच दिया और पैसे कमा लिए सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए अगर वहां तक बात होती तो एक बात समझ में आती कि ठीक है लालची आदमी है पैसे कमा लिए उसके बारे में डींगे हाँ की साहब मैं बेच सकता हूं पाकिस्तानियों को आई कैन सेल पाकिस्तानीज और मेरा कोई बाल भी मांगा नहीं कर सकता ये 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 किया है परवेज मुशर्रफ़ ने आप पढ़िए उनकी किताब इन द लाइन ऑफ फायर और और उनके जो यूट्यूब में वीडियोस हैं बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि सब मैंने दिए थे मैंने तीन हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी बेच दिए थे परवेज मुशर्रफ ने है ना अब परवेज मुशर्रफ बाहर बैठे हैं कभी दुबई में पाए जाते हैं कभी लंदन में पाए जाते हैं कभी अमेरिका में पाए जाते हैं आपने तो कभी सवाल नहीं पूछा आपने कभी सवाल नहीं पूछा और आपकी मीडिया सवाल पूछ सकती नहीं है है ना दोस्तों अब हिंदुस्तान में ये किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं अब सही हैं गलत है वो अलग बात है लेकिन यहाँ पर किसानों को अपनी आवाज़ उठाने का हक है सरकार अच्छा कर रही है बुरा कर रही है वो भी एक अलहदा बात है लेकिन यहां पे लोग सड़क पे आ सकते हैं एहतजाज कर सकते हैं प्रोटेस्ट कर सकते हैं आपके यहां सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे पीडीएम के जलसे हैं यही हो सकता है मैंने तो कभी नहीं देखा आम पाकिस्तानियों को हजारों लाखों की तादाद में भीड़ पे आते हुए किसी सोशल मसले के ऊपर कोई समाजी मसले के ऊपर एहत करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा आपके यहां तो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं या फिर मोमबत्ती लेके वही 100-200 इंटेलेक्चुअल्स कराची प्रेस क्लब के आगे पीछे या लाहौर प्रेस क्लब के आगे पीछे घूमते फिर चुप होकर घर चले जाते हैं वाइन एंड डाइन करते हैं सो जाते हैं दोस्तों बहुत एक सोचने वाली बात है आपके गिरवी रख मोटरवे आपके वेज गिरवी रख दी आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी ठीक है आपके एयरपोर्ट्स हैं आपके इस्लामाबाद लाहौर कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए आपके एफ नाइन इस्लामाबाद का पार्क गिर गिरवी रख दिया और ये तो छोटी बात है आपकी गैरत आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी मैं आपने आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए ये मलेशिया ने 2002-2003 में सुकूक बॉन्ड्स निकाले थे अपने और बोला था कि साहब हम इतनी जमीन गिरवी रखेंगे और यू नो इस पर हम आगे काम बढ़ाएंगे क्योंकि इस्लामिक है इस्लामिक कैसे भाई क्योंकि इसमें ब्याज नहीं है इसमें सूद नहीं है तो बोला साहब बहुत बढ़िया इस्लाम का हवाला लेके इस्लाम के पीछे आड़ लेके और फायरिंग शुरू कर दी साहब इन लोगों ने अच्छा आप लोगों ने सीखा बहुत जल्दी और आपने अपने पूरे कौमी असासे चीनियों के कदमों पर रख दिए और इस हमाम में सब नंगे हैं दोस्त चाहे वो नवाज़ शरीफ हो चाहे वो जरदारी हो चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो और अब मर्द मोमिन मर मरद हक हैंडसम इमरान खान हो सब एक जैसे हैं आप लोगों को लानत है अल्लाह की कि आपको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं सब कुछ बेच दिया आपके मुल्क में कुछ बाकी नहीं रास या तो बेच दिया या फिर उसको गिरवी रख दिया अच्छा पैसे कहां गए पैसे कहां गए बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कॉम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें टू बिलियन डॉलर का लोन मिला है कर्ज मिलने पर कोई मुबारकबाद पेश करता है कहां जा रहे हैं आप लोग कर्ज मिल गया आपको आप खुश हो गए कि साहब हमें कर्ज मिल गया है आपको पता है कि हर एक पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा होता है तो दो या तीन लाख रुपए का मकरूज है वो जिस दिन वो पैदा होता है बच्चा एक दिन का बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है और ये आपके हुक्मरानों ने कर लिया और खुद कर्ज लेके आपको छोड़ दिया कि आप वापस करेंगे और वो चला गया इमरान खान बड़ी बातें करता था एहतज़ की टांग दूंगा सड़कों से और इनको जो भी करप्ट होंगे उनको निकाल दूंगा अब क्या हुआ इमरान खान की कैबिनेट में सबके सब तो चोर भसे भरे हुए हैं अभी लेकिन आप लोगों ने फिर आवाज़ नहीं उठाई आप लोगों ने दोस्तों कभी आवाज नहीं उठाई आप 1971 में आपका मुल्क दो लख्त हो गया आपने तब आवाज नहीं उठाई ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया आपने तब आवाज नहीं उठाई 30 लाख बंगाली मार दिए और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप हुआ उनके साथ जबरदस्ती हुई तब आपने आवाज नहीं उठाई फिर आप कहते हैं आप जिंदा कौम है आप जिंदा कौम नहीं है मैं तो सिर्फ आपको एक चीज यह कहना चाहता हूं कि इंसान और दुमबे में फर्क होता है और ये फर्क आपको पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों देखिए जो कौमी असासे होते हैं वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है सिर्फ बिल्डिंग नहीं है सिर्फ बिल्डिंग नहीं है ये, ये कौमी गुरूर होता है इस पर फख्र करती है कौम पर आपने कभी सवाल नहीं पूछा कल ये लोग मीना पाकिस्तान गिरवी रख देंगे आप कुछ नहीं बोल पाएंगे ठीक है चीन उसको उठा के क्या करेगा चीन एफ नाइन इस्लामाबाद में जो पार्क है जो गिरवी रखा है उसको उठा के चाइना तो ले नहीं जाएगा ज़मीन तो आप ही के पास रहेगी वो लेकिन वो ज़मीन जो है वो चीन को आपने गिरवी रख दी पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी आपके मुल्क के लिए बस हिंदू की साजिश यहूदी की साजिश हमारी मुकदस किताब कुरान शरीफ में ये लिखा है इसलिए इसकी साजिश है उसकी साजिश है अरे कभी अपने हुक्मरान से भी पूछ लो उन्होंने क्या कर रखा है आसिम सलीम बाजवा जिसका हम लोगों ने वीडियो के थ्रू एक्सपोज करा था मेरा वीडियो था डिफेंसिव ऑफेंस पे आसम सलीम बाजवा से ये पूछिए कि वो है कहाँ अभी उसके बच्चे कहाँ हैं अभी और दीजिए ना चार पांच जर्नलों के नाम जिनके बच्चे पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हों हाँ अगर वो फौज में हैं तो अलीहदाबाद है अगर वो बहुत सीनियर पोजिशन में ब्यूरोसी में हैं या कहीं और हैं तो अलीहदाबाद है लेकिन अगर वो सरकार के साथ नहीं है किसी सीनियर पोजीशन में तो उनके बच्चे हैं कहां जरा बताइए दो चार पांच नाम हमें भी बताइए और कमेंट्स में ना पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पैदाबाद लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आप कभी अपनी फौज से सवाल नहीं पूछेंगे और उसका कारण है उसकी वजूहत है जो आप पे तशद करता है वो आपका हीरो है जो आपको मारता है जो काटता है जो आपके खून बहाता है वह आपका हीरो है जैसे कि आपकी मिसाइलों का नाम अब्दाली बाबर यू you नो know, ऐसे ऐसे नाम हैं आपके अब्दाली था कौन अब्दाली वो गुंडा था वो डकैत था जो पंजाब से आया था और जो भारत का पंजाब है जिसको आप लोग ईस्ट पंजाब बोलते हैं और आपका पंजाब जो कि वेस्ट पंजाब है वहां पे इतनी कत्लो गारत करी इतनी कत्लो गारत करी उन्होंने वो आपका हीरो है उसने औरतों के साथ ज्यादती करी बच्चों की गर्दनें उड़ा दी बुजुर्गों को नहीं छोड़ा जवान लोगों के सर काट काट के उसके पहाड़ बना दिए मुसलमानों के हिंदुओं के लेकिन वो आपका हीरो है हर एक इंसान ऐसा हीरो है जो आके कत्ल वारत करता है और आप उसी के अंडर में रहते हैं आप उसी के काबू में रहते हैं जो आपका खून बहाता है और इन लोगों ने करा क्या आपकी रियासत ने ये नाम नेहाद रियासत मदीना जो इमरान खान बोलता रहता है आपको जिसको मैं कहूंगा एक, एक, एक वेपनाइजेशन ऑफ द पीपल आपका माइंडसेट, आपका दिमाग ऐसा कर दिया आपकी फौज ने इस रियासत मदीना में कि आप खुद के अपने बच्चों को खुद के अपने बच्चे जो हैं आपके जो आपका खून है उसको लड़ाई झगड़े के लिए पेश करने से आप कतराते नहीं हैं कितने पाकिस्तानी बच्चे हैं जो सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं जो सो कॉल्ड जिहाद फीस अभी की लड़ाई कर रहे हैं पर जिहाद है किसकी जिम्मेदारी वो तो दिन ही फरीदा है ना आपका हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और पाकिस्तानी फौज जो है पाकिस्तानी फौज का तो नारा है ईमान तख्वा जिहाद फीस अभी पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद एक बात बताइए पाकिस्तानी आर्मी क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद आप ही लोगों ने ठेका ले रखा है पाकिस्तानी फौज जो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीरियों से नाता क्या ला इला ला। आप दोनों को अल्लाह के नाम पर और मजहब के नाम पर चूरन खिला दिया आपको नशा आ गया आप लोगों ने अपने बच्चे भेजना शुरू करे कश्मीर अरे पाकिस्तानी फौज में इतना दम है तो पाकिस्तानी फौज से बोलिए ना तुम क्यों नहीं हमला करते तुम्हें किस दिन के लिए मोटे मोटे पेटों वाले जो आपके हैं बड़ी बड़ी मूछों वाले इनको क्यों पाल रखा है ये किस दिन के लिए कौन से मेडल पहनते हैं अपनी छाती में उससे कहो ना हिंदुस्तान के साथ जंग करें बड़े गाजी मुजाहिदीन और पता नहीं कैसे कैसे आपने नाम दे रखे हैं शायराना इनसे बोलिए आपके रगों में जहर घोल रखा है आई ने पुराने जो आई के डी थे उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में सेटल्ड हैं और कुछ बच्चे उनके हैं लंडन में और खुद जनाब एक डिव कमांडर आप, आप बात बताइए मुझे छोटी सी बात उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं हैं मैं बाहर बाहर भेजने को मैं गलत नहीं मानता हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार बाहर हैं तो बाहर किसी को भेजना सेटल डाउन करना पढ़ना जॉब करना विदेश में या बाहर किसी मुल्क में जाके वो कोई बुरी बात नहीं है करना भी चाहिए लेकिन पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं कोई नहीं रहना चाहता आपका कोई जर्नैल का बच्चा है ही नहीं पाकिस्तान में आसिम सलीम बाजवा का खुद का लड़का जब तक सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे मोटे मोटे जब तक बलोचिस्तान में माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे चल रहे थे इसमें इंपोर्टेड तीन तीन पाँच पाँच चार चार करोड़ की गाड़ियां आ रही थी तब तक पाकिस्तान में था जब सी में ताला लगा भाग गया अमेरिका उसने बोला गंदे काले बदबूदार लोगों के बीच में मुझे ना रहना मैं अमेरिका में रहूंगा वो पीट से बेच रहा है वहां पे कौन है मैं मैं जानना चाहता हूं आपसे आप जरा बताइए मुझे मेरी भी आंखें खोलिए मुझे मुझे झूठा साबित करिए मैं मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं जो मेरे पाकिस्तानी भाई और बहने वीडियो देख रहे हैं मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं मैं खुला आपको चैलेंज दे रहा हूं आप जरा बोलिए ना मिदा साहब आप झूठ बोल रहे हैं और ये जो जिहाद है कश्मीर में मैं ये भी चाहता हूं कि कोई तो जर्नेल का बच्चा आए जो जिहाद लड़े कश्मीर में कुछ तो हमें भी लगे कि हाँ जिहाद फी सभी अल्लाह की राह में जिहाद कुछ तो करो ये गरीब का बच्चा ही जिहाद करेगा जो पाकिस्तानी गरीब है रेड़ी वाला दुकान वाला रिक्शे वाला उसी का बच्चा जिहाद करेगा अजमल कसाब जो इंडिया में आया था इतना कत्ल वारत करी थी उसने मुंबई में वो तो गरीब घर गर का बेटा था अजमल कसाब यहाँ पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके लेकिन जिन जर्नलों ने अजमल कसाब को भेजा था उनके बेटे कहाँ उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं इंग्लैंड में बैठे हैं कैनेडा अमेरिका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वो मजे कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं और आप लोग कभी सवाल पूछेंगे भी नहीं क्योंकि आपके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है वेपनाइज कर दिया मैंने बोला था ना वेपनाइजिंग ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन आपका दिमाग ऐसा कर दिया है नफरतों से भर दिया है कि आप अपने बच्चे अपने नाती पोते उनके बच्चे उनके नाती पोते आप भेजते रहेंगे इस सो कॉल्ड जिहाद में दुनिया भर में पाकिस्तानी जाते हैं खबर आती है लंडन से चाकू मार दिया किसी को कौन पाकिस्तानी कनाडा में कुछ हो गया कौन पाकिस्तानी फ्रांस में कुछ कौन पाकिस्तानी यूरोप के किसी भी शहर में कुछ हो गया पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो गया पाकिस्तानी आपकी कौम ने दुनिया को कभी अच्छी खबर नहीं दी एक अच्छी खबर नहीं दी क्यों क्योंकि आप और गलती आपकी भी नहीं है आपको ऐसा बना दिया है आपकी फौज ने आपकी डीप स्टेट ने आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने आपको बोल बोल के बोल बोल के ऐसा बना दिया कि तुम ही मुजाहिद हो और सारा जिहाद का जो दारोमदार है तुम्हारे कंधों पे है हमारे बच्चे वो कनाडा जर्मनी इटली ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐश करेंगे अमेरिका में पिज्जे खाएंगे तुम मरो तुम अपनी गर्दना कटाओ यहां पे क्योंकि जिहाद की जिम्मेदारी तो पाकिस्तानी गरीब की है जो अमीर है बताइए ना कौन सा पाकिस्तानी बड़ा एंकर है जो इतनी आग उगलते हैं टीवी पे राइट इंडिया के खिलाफ बताइए ना कौ, कौन है जो गया है बताइए जरा एक, एक का नाम तो बताइए कि साहब ये बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी नाम ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है बहुत बड़ा जर्नल है बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है बहुत बड़ा जज है बहुत बड़ा वकील है साहब पति आदमी है बिल्डर है ठेकेदार है बहुत रईस आदमी है पर वो सब इतना अच्छा मुसलमान है इस्लाम को इतना पक्का मानने वाला है अल्लाह और रसूल को इतना फॉलो करता है वो कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया जाओ बेटा इंडियन आर्मी कश्मीर में जिहाद करो एक एकात का नाम तो बताइए हमें भी तो मौका दीजिए आपसे माफी मांगने का कि आप ही लोग माफी मांगती मांगते फिरेंगे पूरी दुनिया से हमें भी तो मौका दीजिए कि साहब मैं मेजर गौरावारी आपसे ये बोलूं कि साहब मुझसे गलती हो गई और हाँ आपके वो दो तीन जनरल हैं जिनके बेटे कश्मीर में कोट अनकोट शहीद हुए हैं जो बहुत बुरी इंडियन आर्मी है उससे लड़ते हुए शहीद हो गए कश्मीर हमें भी तो मौका दीजिए जरा हम भी तो कुछ बोलें मैं चाहता हूँ कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर कि हमारा वो जनरल का बेटा मरा कश्मीर में ज़रा हमें भी तो बताइए वरना फिर मैं वही बात कहूँगा क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं और फिर कहते हैं जिंदा कौम है नहीं इंसान और दुंबे में फ़र्क होता है तो दोस्तों आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपके मुल्क में चोरी कैसे हुई है क्यों हुई है और किसने करी है रेडी चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं अब एफ़ नाइन इस्लामाबाद में एक पार्क है बहुत बड़ा लोग जाते हैं वहाँ पे बच्चे खेलते हैं बुज़ुर्ग टहलते हैं जवान लोग वहाँ पर जागिंग वगैरह करते हैं बहुत एक खुशनुमाशा माहौल रहता है वहाँ पर उसको आपके वज़ी अजम इमरान खान साहब ने उसको गिरवी रख दिया और बोला कि साहब गिरवी रख के हम इससे पैसे कमाएँगे पैसे लेंगे बॉन्ड बेचेंगे जो भी करेंगे ये कर दिया इसके अलावा आपका जो लाहौर टू कराची का आपका मोटरवे है वो पूरा का पूरा मोटरवे गिरवी रखा हुआ है ठीक है सब और भी आपके अन्य मोटरवे हैं कई सारे पाकिस्तान में जो आपकी ज़मीन है आपने चीनियों को गिरवी रख दी हैं ठीक है ठीके? अब आपका कराची का एयरपोर्ट जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट आपका लाहौर का एयरपोर्ट ये तीनों के तीनों एयरपोर्ट आपके गिरवी है आप लोगों ने जिस टर्म्स एंड कंडीशन में पीआईए के जहाज लिए थे इस वक्त जिस टर्म्स एंड कंडीशन में आपने ले रखे हैं आपने लीज पे ले रखे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि आप यह मान के चलिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी एक किस्म से गिरवी है गिरवी सही लफ्ज नहीं है इसको समझाने का आपको लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से समझ जाएं आप यह मान के चलिए कि पीआईए भी आपका गिरवी है आपके जितने भी कौमी असासे हैं धीरे 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 ये गिरवी रखते चले जा रही है आपकी सरकार इमरान खान की पीटीआई की सरकार अब मैं आपको और असासे बताता हूँ आपके कौमी कौन कौन से गिरवी हैं दोस्तों जो पिंडी भटिया और फैसलाबाद वाला मोटरवे है वो मोटरवे भी गिरवी है आपका जो आपका इस्लामाबाद लाहौर का मोटरवे है आपका वो मोटरवे भी गिरवी है और आए दिन खबर आती रहती है कि साहब कि ये, ये रोड धस गई यहाँ पे रोड क्रैक so आ गई हम, हमने भी खुद वीडियो थी हमारी जो कि हमने पार्ट वन बनाई है बेसिकली और इसमें जो है मेजर गौरव आर्या जी जो है उन्होंने काफी चीजें हाईलाइट की है जिसमें जो चीजें हैं गिरवी रखी जा रही हैं डे बाय डे आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को हमें मिलता है जैसे कि अभी रिसेंटली हमें सुनने को मिला था कि फातिमा जिना पार्क जो इस्लामाबाद में है और उसको जो है गिरवी रख दिया गया है और फातिमा जिना पार्क बेसिकली एक बहुत ही बड़ा पार्क है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीन पार्क मैं कहूँगी और आप जितना भी घूम लें वो छोटा ही लगता छोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा है हमें लगेगा कि वो शायद छोटा है लेकिन अगर हम बाहर अंदर चले जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ की कुछ पिक्चर्स भी हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी जहां पर मैंने खुद पिक्चर जाकर शेयर क्लिक की थी और आ, मैं गई हुई हूँ वहाँ पर तो मैं ये कहूँगी कि इतना बड़ा पार्क और इतना खूबसूरत पार्क वहाँ पर रौनक होती है शाम के टाइम आप चले जाओ आपको मत, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा तो उस जगह पर अगर इस तरह से वो इन्होंने गिरवी गिरवी रख दी है उसके बाद फिर अब ये भी सुनने को मिल गया कि कराची का एयरपोर्ट मतलब जिना एयरपोर्ट इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का और अभी न्यू भी बना है कुछ टाइम हुआ है कुछ साल हुए हैं उसके बाद एक बार मैं गई हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अच्छा इसके अलावा एक और लाहौर वाला एयरपोर्ट मतलब ये सारे ही बड़े बड़े एयरपोर्ट जो हैं बेसिकली सारे के सारे ही गिरवी आई मीन हमारा जो मोटरवे है कराची टू लाहौर का वो भी गिरवी हर चीज गिरवी है यार तो बच्चा क्या जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जितनी भी बड़ी बड़ी असासे हैं एसेट्स हैं पाकिस्तान के वो सारे के सारे गिरवी रखे हुए तो बच्चा क्या हमारे पास एनीवेज ये गिरवी रखना मतलब कोई फखर की बात नहीं है आ, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने एक चीज़ को गिरवी रख दिया वो भी अपनी कंट्री की और अगर ये गिरवी हो गया तो अगर कल को इनके पास जैसे कि पी आई ए का इन लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ है मलेशिया ने जो इनके साथ किया है और अगर मलेशिया की तरह आ, ये चाइना ने भी ऐसा कर लिया और भी लोगों ने जिनसे इन्होंने लिए हैं तो अगर उन लोगों ने भी इस तरह से किया तो फिर होगा क्या होगा यही कि फिर इन लोगों को इससे भी हाथ छुड़ाना पड़ेगा ऐसी बात है पैसा लिया हुआ है और जितना इन लोगों ने लिया हुआ है उतना तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी ये लोग रिटर्न कर सकते हैं और उसके बदले में अब वो लिया क्यों है कहाँ लगा रहे हैं मेजर साहब का ये भी सवाल है तो अभी रिसेंटली एक इन लोगों ने प्रोजेक्ट जो है वो स्मार्ट सिटी जो है लाहौर में रावी में इन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा रहे हैं और उसका अनाउंसमेंट भी किया था काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट है जैसे दुबई का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है सेम वैसा ही ये लोग बनाने का इन्होंने प्लान किया हुआ है और कराची में भी डी एच ए जो है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है बहुत ही बड़ा और महंगा और अच्छा खासा प्रोजेक्ट है मेगा प्रोजेक्ट जिसे आप कहते हैं स्मार्ट सिटी तो अब माइट भी वहाँ पर वो लगाना चाह रहे हैं ये वाला सारा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर हो सकता है कि और भी कुछ चीज़ें हों जिस इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा क्योंकि इनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें अपनी पॉकेट से लेकिन ये है कि शायद वहाँ से जो लेंगे तो उससे जो है ये अपना एक प्रोजेक्ट बनाकर उसको जो है उसी से ही ये लोग अपना जो पैसा है वो निकाल कर उनको दें और ये सारा सिस्टम करें तो मुझे तो इस तरह से लग रहा है बाकी आगे का पता नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट ही जाने लेकिन ये है कि गिरवी रख कर हर चीज समझ से बाहर है कि एक इतना एसिड जो बड़ा एसिड है जो कि फातमा जिना पार्क बहुत खूबसूरत है यार फातमा जै जिना जैसा पार्क इन्होंने गिरवी रख दिया है वहाँ की तो आवाम पब्लिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हुई होगी एनीवेज अगर हम बात करते हैं ये लोग जो कि भारत में जैसे अजमल अजमल किसाब गया था और भी बहुत सारे लोग हैं तो ऐसे लोगों को बेसिकली ये लोग पाकिस्तान के आम पब्लिक तो हो नहीं सकती जो आम यहाँ से जो मेरे आसपास के लोग हैं वो बहुत इनोसेंट लोग हैं लेकिन जो लोग ये चीज़ें करते हैं ये लोग आम लोग नहीं हैं इतना मैं कह सकती हूँ आम मतलब कि गरीब घरों से ज़रूर हैं लेकिन वो आम पब्लिक नहीं है जो रोड पे चल रही होती है जो हमारे आसपास घूम रही होती है पब्लिक की वो उन फैमिलीज़ में से नहीं है ये दूसरी कोई एरियाज़ हैं जहाँ पर शायद आज तक मैं भी नहीं गई हूँ शायद तो ये वहाँ के लोग हैं जो उनसे पता नहीं कहाँ से निकल कर आते हैं और क्या क्या करते हैं और के किसाब जैसे लोग तैयार होकर आते हैं और इतनी ब्रेन इस तरह से वॉश कर दिए जाते हैं कि इनको खुद भी नहीं पता चलता कि एक्चुअली ये लोग कर क्या रहे हैं चीज़ें हो क्या रही हैं क्या ये आप किसी को ख़त्म करके किसी की जान लेकर यार कोई कैसे जन्नत में जाएगा कैसे <laughs> मुझे तो ये समझ नहीं आती मेरे लिए तो मेरे तो दिमाग सोच से बाहर है कि कोई किसी की जान लेकर किसी को नुकसान पहुंचाकर आप अगर कहीं ऊपर जाते हो यार मैं एक नाना पाटिकर की एक वीडियो देख रही थी जिसमें नाना पाटिकर जी जो है उन्होंने उस मूवी का मतलब इसी के ऊपर एक मूवी बनी थी तो उसमें वो सीन दिखा रहे थे तो मैं तो देख परेशान हो गई थी कि यार ये लोग कर कैसे लेते हैं इस तरह की चीजें ना कैसे कर लेते हैं तो बेसिकली इन लोगों के दिलों से ना डर ख़त्म हो जाता है और अगर हम बात करते हैं ना कि आ, जो लोग जॉब्स वगैरह नहीं करते लाइक ये लोग अपने बच्चों को बॉर्डर्स पर नहीं भेजते और ये वो और पाकिस्तान में लोग रहना पसंद नहीं करते एक्चुअली ये इनकी नहीं बहुत सारे लोगों की ऐसी साइकी है क्योंकि गुर्बत बहुत है गलबत के साथ लोगों को महंगाई बहुत ज्यादा है और इनकम बहुत कम है तो जिसकी वजह से लोग यही सोचते हैं कि यार आउट ऑफ कंट्री में जाएंगे वहां सुकून में रहेंगे और खाएंगे पिएंगे और अच्छी अर्निंग करेंगे और अपनी अच्छी लाइफ को सिक्योर करके लाइफ जिएंगे तो ये बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट होता है ये मैंने ज़्यादातर तो लोगों के कॉन्सेप्ट देखे हैं तो बेसिकली ज़्यादातर तो लोग जो है ना आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं कोई सऊदीया चला जाता है कोई दुबई चला जाता है कोई यूके चला जाता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं और बाकी हिम्मत हर किसी में तो नहीं होती कि, कि कोई अपने आप अपने, अपने, अपने बच्चों को बॉर्डर पर भेजें या फिर आर्मी में भेजें कि जाओ बेटा तुम जाकर ये सारी चीज़ें करो और अगर हम बड़ी पोस्ट की बात करते हैं तो बड़ी पोस्ट सिर्फ उनको ही मिलती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एक आ, अपर लेवल पर अप्रोच हो अब ये छोटी जो लोग होते हैं इन लोगों को कहाँ जॉब मिलती है इतने अच्छे लेवल पर जाकर उनको तो डिग्री वाले आजकल समोसे पकोड़े बेच रहे हैं तो फिर ये लोग कहाँ जाकर इतनी ऊपर वाली पोस्ट में पहुंच जाएंगे इनको तो एक आम जॉब मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है आजकल के टाइम में सो so, ये चीजें हैं एक वक्त था जब लोग सोचा करते थे कि यार ये जॉब हमें मिल जाएगी मैं इतना पढ़ लूंगा तो ये जॉब मिल जाएगी लेकिन अब जो है अब जॉब्स वगैरह और कुछ करोना की वजह से भी लोग बहुत ज्यादा जो है वो अपसेट हो चुके हैं तो इस तरह की चीजें हैं जो हमें आजकल देखने को मिल रही हैं और मैंने ऑब्जर्वेशन की है अपने आस के लोगों की और आ, सारी चीज़ें जो कि मैं देखती हूँ और मुझे आइडिया भी होता है तो बाकि ये जो पाकिस्तान की आजकल कंडीशन चल रही है अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली शायद ये किस्मत बन चुकी है या फिर किस्मत में ऐसे लोग लिख दिए है गए हैं ऐसी गवर्नमेंट लिख दी गई है और या फिर ऐसे बेस उसकी स्टार्ट हो गई है या फिर शायद शायद ये उन लोगों की बदुुआ है जो 1971 में जो बेकसूर लोगों के साथ ऐसा हुआ बहुत बुरा हुआ तो शायद ये उन लोगों की बदुुआ है जो आज हमारी कंट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान में जा रही है जबकि जिनके साथ हुआ था वो लोग आज ऊपर लेवल पे उनका डिफरेंस देख लें हमारी कंट्री के साथ सो तो आइडिया हो जाएगा सो so, खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस हमने पार्ट वन बनाया है पार्ट टू लाजमी बनाएंगे और उसमें और भी देखेंगे कि मेजर साहब क्या कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने पार्ट लास्ट जो वीडियो एक बनाई थी फार्मर्स के ऊपर तो उसके ऊपर इन्होंने कंफर्म किया था कि मैं बनाऊंगा और बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तान के ऊपर और आई लेट यू नो रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड uh, आर्मी जो कि इस वीडियो में फाइनली उन्होंने बता दिया सो खैर ये थी हमारे आज की वीडियो और देखते हैं पार्ट टू में क्या होता है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा बाय